हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ अभिनव पब्लिक स्कूल बिलरा। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.4। ओके, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के बाद देखेंगे। पहले हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टू इरेशनल नंबर ओस। Difference is a rational number, sum is a rational number, product is a rational number and quotient is a rational number। हमें कोई भी दो irrational number लेने हैं जिनका difference जो rational number होना चाहिए, sum जो है वो rational होना चाहिए, product rational होना चाहिए and quotient जो है rational होना चाहिए। Okay, rational number different, same rational number को irrational number भी ले सकते हैं, same and different irrational number भी ले सकते हैं। जैसे irrational number होते क्या है? ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएगी? जीरो, ओके, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। और कौन कौन से होंगे? कंप्लीट रूट है, वो भी रेशनल नंबर हो जाएंगे। और जो टर्मिनेटिंग वैल्यू है एंड रिकरिंग वैल्यू है। टर्मिनेटिंग मीन्स बेसिक उनके बाद में कुछ वैल्यू आके स्टॉप हो जाए, वो हो जाएगी टर्मिनेटिंग वैल्यू, जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। रिकरिंग वैल्यू जैसे मैंने 0.66666 ऐसे डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर डिजिट जो है रिपीट हो रही है, ओके, तो वो रिकरिंग वैल्यू जो है वो सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? पाई रेशनल नंबर हो जाएगा और इनकम्प्लीट रूट एंड नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज जो नॉन जिसको हम पी अपॉन क्यू में हम नहीं लिख सकते एंड नॉन रिकरिंग वैल्यू। ओके, तो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। आपको एग्जांपल देना है, वो रेशनल नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस जो है रेशनल नंबर होना चाहिए। ओके, इरेशनल नंबर मैंने क्या बोला? नॉन इनकम्प्लीट रूट। ओके, जैसे मैंने लिया 5, रूट 5 लिया मैंने, ये भी इनकम्प्लीट रूट है। डिफरेंस लेना है, मैं रूट 5 माइनस रूट 5 कर लेता हूं, इसका डिफरेंस क्या होगा? रूट 5 माइनस रूट 5 कितना हो जाएगा यहां पे? 0। ओके, ये बोला डिफरेंस लेना है और उसका जो आंसर होना चाहिए वो रेशनल नंबर होना चाहिए। 0 एक रेशनल नंबर ही है। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, p upon 2 की फॉर्म में लिख पा रहे 0.1, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। ओके, अब टू इरेशनल नंबर है जिनका सम जो है रेशनल नंबर होना चाहिए। यही वापस सेम ले लीजिए और इनको ऐड कर लीजिए, जैसे रूट 5 प्लस इसमें मैं ऐड कर लेता हूं माइनस रूट 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो वापस इसका आंसर 0 आएगा। ये भी जो होगा एक रेशनल नंबर होगा। और प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। ओके, प्रोडक्ट रेशनल होना चाहिए। कोई भी दो इरेशनल नंबर लेना उसका प्रोडक्ट जो है रेशनल नंबर होना चाहिए। इरेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं ले रहा हूं रूट 3। रूट 3 भी इरेशनल नंबर है, इनकम्प्लीट रूट है। इधर और मैंने ले लिया रूट 3। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा? रूट 9। रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। ओके, 3 को भी आप 3/1 लिख सकता हूं, तो ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ओके, क्वोटेंट देना है जो कि सॉल्व करने पर उसका आंसर कितना आना चाहिए? रेशनल नंबर आना चाहिए। तो ये भी वापस ये एग्जांपल ले लीजिए, रूट 5 डिवाइड बाय रूट 5। ओके, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। 1 को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो 1/1, और 1 एक नेचुरल नंबर भी है। और नेचुरल नंबर का मैंने क्या बोला? ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसका ऑपोजिट है। आपको दो इरेशनल नंबर लेना है और वापस जिनका डिफरेंस इरेशनल होना चाहिए, सम इरेशनल होना चाहिए, प्रोडक्ट इरेशनल होना चाहिए, क्वोटेंट इरेशनल होना चाहिए। तो कोई भी दो डिफरेंस इरेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूं रूट 3 या रूट 2 माइनस रूट 3 लिख लीजिए। ओके, ये माइनस नहीं होगी क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को ये रूट 2 भी इरेशनल नंबर है, रूट 3 भी इरेशनल नंबर है, इसको माइनस नहीं, डेटा वैलिड ही रहेगी। और जो 2 इरेशनल नंबर आपने दिए इनका डिफरेंस भी क्या आ गया? वापस इरेशनल नंबर आ गया। अब सम लेना है, सम में वापस यही ले लीजिए रूट 2 प्लस रूट 3, ये भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेना है और प्रोडक्ट जो है इरेशनल होना चाहिए। यही ले लीजिए वापस एग्जांपल रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 3। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा? रूट 6। रूट 6 और रूट 6 भी इनकम्प्लीट रूट है। इनकम्प्लीट रूट जो क्या होता है? वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। एंड फोर्थ है इसका क्वोटेंट। क्वोटेंट जो आपको लेना है वो भी क्या होना चाहिए? दो इरेशनल नंबर लेना है और उसका आंसर भी वापस इरेशनल ही आना चाहिए। तो कुछ भी ले लीजिए, आप ले लीजिए रूट 3 अपॉन रूट 2 ले लीजिए। रूट 3 को जो है रूट 2 से डिवाइड कर लीजिए, रूट 3 डिवाइड बाय
थ्री अपॉन रूट टू, तो ये भी जो होगा ये क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फिल अप द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। ओके, ब्लैंक स्पेस फिल अप करना है, रेसर के रेसर की आपको प्रॉपर्टीज पता है, आप इजीली ब्लैंक स्पेस फिल अप कर दोगे। फर्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखा है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेसर नंबर इज नाइदर, ये हो जाएगा नाइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस रहेगा टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड ब्लैंक स्पेस रहेगा रिकरिंग। ओके, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्टेटमेंट क्या लिखा है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेसर नंबर, जो इरेसर नंबर होता है जिसमें जो डेसिमल के बाद में जो है ना ही वैल्यू टर्मिनेटिंग होती है ना ही रिकरिंग होती है, जो वापस रिकरिंग मीन्स कोई भी डिजिट जो बार बार रिपीट नहीं होती है, ठीक है ना, वो किसमें होती है, रेस्टर नंबर में। सेकंड देखिए, इधर जीरो इज एन, जीरो क्या होगा, रेस्टर नंबर होगा, जीरो का जीरो अपॉन वन देख सकते हैं, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, रेस्टर नंबर। थर्ड देखिए, ब्लैंक स्पेस द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेस्टर नंबर 5/3। ओके, 5/3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 5/3 जब आप डिवाइड करोगे, ओके, 5 को जो आप 3 से डिवाइड करोगे तो करके देखना कितना आ जाएगा, 0.666 ऐसे रिपीट होता रह जाएगा, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे लिख सकते हो, 0.6 के ऊपर बार लगा देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5/3 विल बी क्या होगा, 0.6, और जो 6 जो है डेसिमल के बाद में इसका ये रिपीट होता रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इधर इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन रूट n इज सम टाइम, ओके, n अगर नेचुरल नंबर है, n अगर नेचुरल नंबर है तो रूट n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ओके, अगर n जैसे कि मैं 2 ले लेता हूं तो ये कभी जो रूट 2 होगा n, इसका जो रूट 2 जो कभी जो रेशनल होगा कभी इरेशनल होगा, कैसे, आप ऑप्शन में क्या करोगे, इसके अंदर जो n अगर नेचुरल नंबर है सम टाइम जो रूट n जो होगा वो रेशनल होगा, और कभी क्या कभी कभार क्या होगा, ये इरेशनल। अभी एग्जांपल देके समझ लेता हूं मैं इसको, ओके, n अगर नेचुरल नंबर है तो अगर मैं इसका रूट कर रहा हूं तो रूट 2 तो क्या हो गया, ये इरेशनल। अगर n नेचुरल नंबर में क्या लेता हूं, 25 लेता हूं, तो 25 अगर इसके अंदर रूट के अंदर लिखूंगा रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, 5, तो अभी इस बार ये क्या हो गया, ये रेशनल हो गया। तो n अगर नेचुरल नंबर है तो इसके अंदर जो रूट n की वैल्यू कभी इरेशनल नंबर भी हो सकती है, रेशनल नंबर भी हो सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और एन इरेशनल। ओके, ये प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा रखी है प्रीवियस वीडियो में, कि भाई सम ऑफ कोई भी दो इरेशनल नंबर का सम ले रहा हूं, जो उसका जो सम होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, रेशनल, रेशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको है डेसिमल एक्सपेंशन बता रहे हैं, डिवाइड करना है, जैसे कि 5/13 दे रखा है, 5/5 को 13 से डिवाइड करना है, और पॉइंट के बाद में डिजिट कैसी आएगी, डिजिट का नेचर कैसा, वो आपको बताना है, तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ओके, ये भी इजी क्वेश्चन है, 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6 में 1/7 की वैल्यू जो आप दे रखी है, अगर 1/7 से डिवाइड करते तो वैल्यू जो आएगी 0.142857, ओके, और इसके ऊपर बार लगा रखा है, मतलब इस टर्म का वापस जो है रिपीटेशन हो रहा है, ये टर्म्स इसके बाद वापस रिपीट हो रही है। ये बोल रहा है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7 वैल्यूज दे रखी है फ्रैक्शन विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिविजन मेथड। ओके, ये पूछ रहा है 2/7, 3/7 जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इनका डायरेक्ट बिना डिवाइड के आंसर बता सकते हो क्या, तो बिल्कुल बता सकते हैं। 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है, क्वेश्चन में हिंट दे रखा है 1/7 की वैल्यू का आप यूज कीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2/7 का आप क्या लिख सकते हो, 2/1/7 भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 3/1/7, ओके,
1 अपॉन 7 की वैल्यू आपको पता है, इसको क्या लिख लोगे, 2 इनटू 1 अपॉन 7 की वैल्यू क्या है, 0.142857। तो बिना नॉन-लीनियर मेथड मतलब बिना भाग दिया इसका आंसर बता सकते हो। इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर इसका क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। तो ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ओके, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वही जो रिकरिंग वैल्यू है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में बार-बार करवा रखा है। ओके, इसका कोई भी एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 0.6, ओके 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो है 0.7 एंड 4 के ऊपर जो है इन्होंने बार लगा रखा है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा लिया, इसका डायरेक्ट पता चल रहा है 6/9 आएगा 0.P, तो इसको हम क्या लिखेंगे, P/9। कैसे, इस टर्म को मैं x के इक्वल कर लेता हूं, x इक्वल टू कितना देख रहा है 0.6। ओके, बाहर का मतलब जो ये 6666 का जो ये रिपीटेशन हो रहा है। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लेता हूं। इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कितना हो जाएगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करवा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू, इस टर्म को मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, ये डेसिमल जो है वो ये भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना होगा 6.6666, ये रिपीट होता रहेगा, ये तो इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप सबट्रैक्ट कर लोगे, 10x - x कितना हो जाएगा, इधर 10x - x और इधर क्या हो जाएगा 6.666, जो टर्म रिपीट हो रही है इसमें से माइनस करना है 0.666, जो टर्म रिपीट हो रही है उसको माइनस करना है, 10x माइनस x कितना हो जाएगा, ये 9x इक्वल टू पॉइंट के बाद में 666 रिपीट हो रहा है, इधर भी रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद में जो वैल्यू होगी सारी 0 हो जाएगी, पॉइंट के पहले इधर 6 माइनस 0 कितना होगा 6, x इक्वल टू कितना होगा 6/9। तो इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, आपने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी 6/9। एक बार मैंने प्रॉपर्टी बताई थी इसका, क्या बोला था मैंने, अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो इसका आंसर होगा 3/9। ओके, सिमिलरली ये भी क्वेश्चन करना है। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इधर देखिए इस पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसको भी x के इक्वल कर दीजिए, x इक्वल टू 0.4 एंड 7 के ऊपर बार लगा रखा है, इसका मीन्स 7 जो है मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट जो है इक्वेशन को जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है इसको आप क्या कर लीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स क्या बन जाएगी, 10x इक्वल टू 0.477, तो ये 77 रिपीट हो रहा है, 77 जो रिपीट हो रहा है इसको आपको करना क्या, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट जो 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, पॉइंट जो है ये 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.7777, जो ये रिपीट होता रहेगा। ओके, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। ओके, इधर दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर आप डायरेक्ट माइनस करोगे पॉइंट के बाद, इधर 777 रिपीट हो रहा है, लेकिन इधर पॉइंट के बाद जो है 4.77 रिपीट हो रहा है, तो ये माइनस होगा नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन को 1 टाइम और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा, देखिए इसको भी और 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 47 पॉइंट, अब क्या रिपीट होगा, अब ये 77 ये रिपीट हो रहा होगा, 7777 ये रिपीट हो रहा है, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। मैंने सिंपली इक्वेशन फर्स्ट को एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 100 से मल्टीप्लाई किया, अब इक्वेशन थर्ड में से अगर इक्वेशन सेकंड अब इतनी माइनस हो रही है, कैसे, ये क्या हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे रखा है 47.777, जो रिपीट हो रहा है उसमें से माइनस क्या करना है 4.7777, जो रिपीट टर्म रिपीट हो रही है माइनस करना है, इधर इजीली माइनस हो जाएगा 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा, देखिए 90x इक्वल टू, इधर देखिए
पॉइंट के बाद में सेवन वाली टर्म्स है, इधर भी पॉइंट के बाद में सेवन वाली टर्म्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, जीरो हो जाएगी। इधर पॉइंट के पहले 47 बच रहा है, इधर 4 बच रहा है, कितना हो जाएगा 47 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 90x 47 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 43। यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 मल्टीप्लाई किया उधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में चला जाएगा 43 अपॉन 90। x की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 43 अपॉन 90। ओके, चेक कैसे करना है मैंने आपको बताया था, वही ये किस फॉर्म में दे रखा है, 0.PNQ के ऊपर बार लगा रखा है। ओके, इसको मैंने कैसे पता, कैसे चेक करना है, जो पहले पूरी टर्म दे रही थी पूरी टर्म को लिखना है PQ माइनस, माइनस क्या करना है, जो बार लगा रखा है उसके रिमेनिंग कौन सी टर्म्स है, माइनस क्या करना है, पी अपॉन जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा रखा है उतने 9 लिखने हैं, 1 डिजिट के ऊपर बार लगा रखा है उतने 9 एंड रिमेनिंग जितने डिजिट है उतने जीरोस लगाना है, तो ये जीरो लगा लिया। सॉल्व कर लीजिए कितना देर का PQ की वैल्यू कितनी है, 47 माइनस पी कितना देर का, इधर 4 अपॉन 90, तो ये कितना हो जाएगा 43 अपॉन 90। ऐसे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि डिनोमिनेटर जो 90 आ रहा है तो इधर भी जो है x के मल्टीप्लाई में 90 आएगा, और 90 कब आएगा, जब आप 100 में से 10 माइनस करोगे तभी 90 आएगा, तो आप पता चल जाएगा इसे डायरेक्ट, इधर जो मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे कर रहे हो, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई जो कर रहे हो किससे कर रहे हो, इधर 99 आ रहा तो डायरेक्ट पता चल जाएगा इधर जो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, ये कॉमन सेंस है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।